कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। एक और बड़ी खबर, यमुनानगर से जहां पर पेट्रोल पंप के पास हुई टैक्सी ड्राइवर की हत्या, तो पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई है। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, जटलाना क्षेत्र में बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास का ये मामला बताया जा रहा है। हत्या का मामला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। यमुनानगर से बड़ी खबर, पेट्रोल पंप के पास टैक्सी ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है जिसके चलते ये हत्या की गई है। तो बता दें जटलाना क्षेत्र में बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लेकिन शुरुआती तौर पर पुरानी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप जो कि काफी समय से बंद है, उसके पास टैक्सी ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश हो सकती है, इस पर अभी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में यह भी पता चल पाया है कि शायद पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई हो। जटलाना क्षेत्र कई मामले जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो पेट्रोल पंप के पास टैक्सी ड्राइवर की हत्या हुई है। बता दें आपको पुरानी रंजिश के चलते हत्या का ये मामला सामने आया है। तो जटलाना क्षेत्र में बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास का ये मामला है। जटलाना क्षेत्र में काफी समय से ये पेट्रोल पंप जो था वो बंद था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यमुनानगर से पेट्रोल पंप के पास टैक्सी ड्राइवर की हत्या हुई है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है जिसके चलते हत्या की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो जटलाना क्षेत्र में बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास का ये मामला और टैक्सी ड्राइवर की हत्या की गई है। हालांकि पुरानी रंजिश मानकर अभी से चला जा रहा है शुरुआती जांच में कि हो सकता है पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की गई हो। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।